हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस आर जे स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर जे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9 है काव्यखंड से झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित काव्य है, और इसमें हम लोग अति लघुतरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। साथ में कुछ काव्य खंड से व्याकरण क्वेश्चन होंगे, उनको भी इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सो आंसर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जनपद के निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। सेकंड प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। उत्तर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो उत्तर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किस आयु में किसके साथ हुआ था। उत्तर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 15 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के खांडवा नामक स्थान के निवासी ठाकुर लक्ष्मण चौहान के साथ लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की किसकी प्रेरणा से देश प्रेमियों देश सेवा के लिए तत्पर हुए। तो ध्यान में रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान गांधी जी की प्रेरणा से देश सेवा के लिए तत्पर हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके प्रोत्साहन के फलस्वरूप काव्य रचना प्रारंभ की। तो ध्यान में रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान ने माखन लाल चतुर्वेदी जी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप काव्य रचनाएँ प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्यों में किस रस की प्रधानता है। तो ध्यान में रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्यों में वीर एवं वात्सल्य रस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 8 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की तीन कृतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की तीन कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो उत्तर में लिखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में हुई थी। अब हम आगे देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन रहते हैं आपके। पहला प्रश्न हो जाएगा वस्तुनिष्ठ में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन के साथ चलेंगे, पहला ऑप्शन है निहालगढ़, दूसरा ऑप्शन है निहालपुर, तीसरा ऑप्शन है खंडवा और चौथा है मेरठ में। तो ध्यान में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बिल्कुल सही है, निहालपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दे रखा है राम सिंह चौहान, दूसरा है माखन सिंह चौहान, तीसरा है लक्ष्मण सिंह चौहान और चौथा है शिव सिंह चौहान। तो ध्यान में रखेंगे, पति नहीं, पिता का नहीं, पति का पूछ रहा था, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन मेरे थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, ध्यान में रखेंगे लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी की कृति है, पहला ऑप्शन है प्रथम आयाम, दूसरा है त्रिधारा, तीसरा है साकेत, चौथा है चितंबरा। ध्यान में रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बिल्कुल सही है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी जी की कृति है। प्रश्न नंबर 4 है कि पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी की रचना में किस रस की प्रधानता है। पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है शोक रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल सही है, वीर रस और वात्सल रस। तो फिलहाल यहाँ पर वीर रस दे रखा है, तो आपका वीर रस राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार निरूपण कीजिए।
पहला पंक्ति दे रखी है, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यहाँ है यह स्मृति शाला सी। यहाँ पे कौन सा अलंकार है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे श्लेष एवं उपमा अलंकार है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है कि आहुति सी गे चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें है यहाँ पे उपमा एवं दृष्टांत अलंकार। ध्यान रखेंगे उपमा एवं दृष्टांत अलंकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर सेकंड है, निम्नलिखित पद्यांशों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दे रखी है, पहली सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी बाई की वीरता का यशोगान किया गया है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली गीति रस वीर रस है, गुण ओज है, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश व उपमालंकार, और छंद की बात करते हैं तो कांत मुक्त छंद है। बा प्रश्न है, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने से, भस्मा यथा सोने से। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो कवित्री ने युद्ध में बलिदान देने वाली रानी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उसके बलिदान को अमूल्य बताया है। भाषा सरल एवं खड़ी बोली है, शैली आख्यान गीति है, वीर रस है, गुण ओज है, अलंकार दृष्टांत पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, छंद तुकांत मुक्त है। आगे देखते हैं हम लोग, रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि के स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा के लिए युवकों का आह्वान किया है। भाषा सरल एवं खड़ी बोली है, शैली आख्यान गीति है, रस भी रस, गुण ओस अलंकार रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, छंद तुकांत मुक्त है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।